ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जीवन में खुशियां भर देंगे हल्दी के ये उपाय, आर्थिक तंगी से भी मिलेगा छुटकारा। दोस्तों, हल्दी हर भारतीय के रसोई में आपको मिल जाएगी। औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी का इस्तेमाल मसालों से लेकर सौंदर्य तक में होता है। हल्दी एक ओर जहां सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है, वही दूसरी ओर मांगलिक कार्यों में हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग खास तौर पर किया जाता है। कुंडली में गुरु दोष को कम करने के लिए भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ चढ़ाना शुभ माना जाता है। ज्योतिष में भी हल्दी का महत्व माना जाता है। हल्दी धार्मिक, ज्योतिष एवं आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत ही लाभकारी मानी गई है। ये तमाम बाधाओं से आपको बचाते हुए आपके सौभाग्य को भी बढ़ाने वाली होती है। यही वजह है कि तीज त्योहार से लेकर विवाह आदि तक में इसका प्रयोग खूब होता है। तो चलिए जानते हैं हल्दी से जुड़े कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में बिना बात का क्लेश रहता है, तो इसका कारण घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। इसके लिए अपने घर के बाहर की दीवार पर हल्दी की रेखा बना दे। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है, जिससे घर में क्लेश नहीं होगा और शांति बनी रहेगी। अगर आप आर्थिक रूप से उन्नत है और इसकी गति को भविष्य में निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन हल्दी की 5 साबुत गांठें और 1 रुपये का एक सिक्का लेकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर इस कपड़े को अपने घर के मंदिर में रखें और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए घी का एक दीपक जलाए। दीपक के बुझने के बाद उस हल्दी, रुपए और कपड़े को मंदिर से उठाकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख ले। इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। वही अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं या अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो बुधवार के दिन हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाकर जाए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर उनके हर काम में रुकावट आती रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो गुरुवार के दिन केले की जड़ पर थोड़ी सी हल्दी छिड़क दे। इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। वही मन चाहे वर की चाह है, तो कन्याएं भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला ले। इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। धन्यवाद।